पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 6 हमें बताता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्टाए के बारे में। तो इसके पहले हम लोग बेयर एक्ट लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। फैक्ट्स विच डो नॉट एन इशू, ऐसे फैक्ट्स जो कि इशू में नहीं है, आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट एन इशू, लेकिन वो फैक्ट एन इशू से कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हैं एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, कि वो सेम ट्रांजैक्शन का ही पार्ट है। ठीक है, ऐसे फैक्ट्स जो कि इशू में नहीं है लेकिन वो फैक्ट एंड इशू से कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि वो सेम ट्रांजैक्शन का ही पार्ट हैं, आर रेलेवेंट। तो ऐसे फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस, भले ही वो उसी समय पे उसी वक्त पे हुए हों या किसी डिफरेंट समय पे डिफरेंट प्लेस पे हुए हों। इतनी बात समझ में आई तो फिर से एक बार रिकॉल करते हैं जो हमने अभी सेक्शन में बेयर एक्ट की लैंग्वेज में पढ़ा कि ऐसे फैक्ट्स जो कि इशू में नहीं है, दे आर दो नॉट एन इशू बट दे आर कनेक्टेड टू फैक्ट एन इशू इन सच अ वे दैट दे आर फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। ठीक है, लेकिन वो फैक्ट एंड इश्यू से कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि वो सेम ट्रांजैक्शन का ही पार्ट है। ठीक है, तो आपके बेयर एक्ट में एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, उसे हम लोग पहले पढ़ लेते हैं तो ये आगे की जो कहानी है थोड़ी सी आसान लगने लगेगी। ओके, नाउ ए इज अक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम। ए ने एक अक्यूज्ड है बी के मर्डर के लिए, किस तरीके से उसको बीट किया उसने, इस तरीके से मतलब कि उसको मारा। ठीक है, व्हाटएवर वाज सेड और डन बाय ए और बी, जो भी कुछ ए और बी के बीच में बातचीत हुई, ये जो भी कुछ ए और बी के बीच में हुआ, बातचीत क्या हुई होगी, जैसे ए अक्यूज्ड है, ठीक है, तो ए ने कहा होगा कि मैं तुम्हें मार दूंगा। अब इसमें ये चीज तो स्पेसिफिकली नहीं बताई गई है कि किस तरीके से मतलब किस चीज से, ऑब्जेक्ट क्या था, ऐसा कुछ तो बताया नहीं है, बस इतना लिखा है बाय बीटिंग हिम, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि स्टिक से मारा होगा। ठीक है, तो ए और बी के बीच में जो बातचीत हुई है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ए ने कहा मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, बी ने कहा कि नहीं प्लीज मुझे मत मारो, ठीक है मेरी फैमिली है, ये सारी चीजें ए और बी के बीच में कन्वर्सेशन हुई। अब तो वॉट एवर वॉज सेड और डन बाय ए और बी, भाई ए ने मान लो कि स्टिक उठाया उसके ऊपर उसको मारने के लिए और बी ने इस तरीके से अपना बचाव किया, और बाय स्टैंडर्ड एट द बीटिंग। अब ए और बी के बीच में तो हो रही है बात, मतलब जो भी कुछ हो रहा है, लड़ाई हो रही, झगड़ा हो रहा है, जो भी हो रहा है, बातचीत हो रही, कन्वर्सेशन हो रही है, अगल बगल जो लोग खड़े हैं वो जो बाय स्टैंडर्ड हैं उन्होंने क्या किया, वो भी मान लो कि कह रहे हैं ए को कि प्लीज नहीं नहीं इसको मत मारो, मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये लोग भी मिल करके रेस गेस्टाए बना रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि और सो शॉर्टली बिफोर और आफ्टर इट एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज अ रेलेवेंट फैक्ट। तो वो एक रेलेवेंट फैक्ट है, क्या मैंने बताया आप लोगों को, एक बार फिर से समझो कि ए अक्यूज्ड है बी के मर्डर के लिए, उसको मतलब कि बाय बीटिंग हिम, ठीक है, मार के उसको, ठीक है, जान से मार दिया। अभी क्या हो रहा है कि ए और बी के बीच में जो कन्वर्सेशन है वो भी रेस गेस्टाए होगी, और जो बाय स्टैंडर्स ने देखा वो भी रेस गेस्टाए होगा। ठीक है, जो बाय स्टैंडर्स ने देखा वो भी रेस गेस्टाए होगा। अब हम लोग यहां पर आते हैं, यहां पे पढ़ते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं रेस गेस्टाए क्या है। सो द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्टाए इज बोरोड फ्रॉम इंग्लिश लॉ एंड इन कॉर्पोरेटेड इन सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इसको कहां से बोरो किया गया है, इंग्लिश लॉ से बोरो किया गया है, और इनकॉर्पोरेट कहां किया गया है, सेक्शन 6 में। द टर्म रेस इज अ लैटिन टर्म मीनिंग थिंग, रेस का सिंपल मीनिंग है थिंग, कोई चीज, एंड द एक्सप्रेशन रेस गेस्टाए लिटरली मीन्स अ थिंग डन, कोई काम हुआ है, और अ ट्रांजैक्शन और एसेंशियल सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द सब्जेक्ट, यानी कि कोई भी ऐसी चीज हुई है जो कि सब्जेक्ट मैटर को एक्सप्लेन कर रही है, कोई भी ऐसी चीज हुई है जो कि सब्जेक्ट मैटर को एक्सप्लेन कर रही है। इन लॉ ऑफ एविडेंस इट मींस थिंग्स डन इंक्लूडिंग वर्ड्स स्पोकन, जो भी कुछ बातचीत हुई है, अभी हम लोगों ने इलस्ट्रेशन में देखा कि ए और बी के बीच में जो बातचीत हुई, या फिर बायस्टैंडर्स
जो खड़े होकर के देख रहे थे, जिनके सामने ये सब हुआ, उनकी बातचीत और ए और बी की जो बातचीत हुई, तो ये सारी चीजें एक ट्रांजैक्शन बनाती हैं, ये सारी चीजें मिलकर के एक ट्रांजैक्शन बनाती है, इसी को हम लोग रेस गेस्टाय कहते हैं, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ। अब इसको एक बार और थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि दैट देयर इज अ फैक्ट स्टोरी बिहाइंड एवरी केस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। हर एक केस में कोई ना कोई फैक्ट स्टोरी जरूर होती है कोर्ट ऑफ लॉ के सामने। ठीक है, कंटेनिंग सर्टेन एक्ट्स, कुछ एक्ट्स, कोई स्टेटमेंट्स, ठीक है, और इवन ओमिशन, उस एक्ट के कुछ ओमिशन भी होंगे, विच आर नॉट एन इशू। वो इशू में तो नहीं है, यानी कि उन बात पे हम वाद विवाद नहीं कर रहे हैं, लेकिन बट आर केपेबल ऑफ थ्रोइंग सम लाइट अपॉन द नेचर, लेकिन केपेबल हैं उस चीज के लिए कि वो कुछ लाइट थ्रो कर सके अपॉन द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन पे कुछ लाइट थ्रो कर सके। अब हम लोग उसी एक इलस्ट्रेशन को देखते हैं। मान लो कि जैसे ए को फिर जब कोर्ट में लेके जाया गया बी के मर्डर के लिए, क्योंकि वो अक्यूज था, अब उसने वहां पर कोर्ट में क्या किया कि नहीं नहीं भाई, मैंने तो नहीं मारा, ये वो, ठीक है, उसने ये सारी चीजें कही, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर बायस्टैंडर्स आएंगे, ठीक है, सीन में कि हाँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, हमने खुद अपनी आंखों से देखा ए ने बी को स्टिक से मारा है, ठीक है, तो ये रेस गेस्टाय हो गया वहां पर कि बायस्टैंडर्स ने देखा, दे फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, ठीक है, बट आर केपेबल ऑफ थ्रोइंग सम लाइट अपॉन द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, रिवील द ट्रू नेचर और सीन ऑफ द क्राइम। ऐसी चीजें जो कि क्राइम के सीन का असली चेहरा, असली नेचर दिखा सके, उसे हम लोग रेस गेस्टाय कहते हैं। दीज एक्ट्स, स्टेटमेंट्स एंड ओमिशंस आर अलाउड टू बी प्रूव्ड अंडर दिस प्रिंसिपल। यही एक्ट, स्टेटमेंट्स और ओमिशंस जो होते हैं, ये प्रूव हो सकते हैं अंडर दिस प्रिंसिपल। अब हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। इतनी देर से ट्रांजैक्शन फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन होता क्या है? सो अकॉर्डिंग टू स्टीफन, अ ट्रांजैक्शन इज अ ग्रुप ऑफ फैक्ट्स, ट्रांजैक्शन एक ग्रुप ऑफ फैक्ट्स है सो कनेक्टेड टुगेदर, जो कि एक दूसरे से कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हैं, एज टू बी रेफर्ड बाय अ सिंगल लीगल नेम, जिन्हें हम एक सिंगल लीगल नेम के नाम से पुकार सकते हैं, नोन एज क्राइम, रॉन्ग जो कि टॉर्ट में होता है, और अदर सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी विच मे बी एन इशू। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि एक ऐसी चीज, एक ऐसे ग्रुप ऑफ फैक्ट्स जिन्हें हम एक सिंगल लीगल नेम के नाम से पुकार सकते हैं। अब एक केस है आर वर्सेस फॉस्टर का, 1941। द अक्यूज्ड इन द इंस्टेंट किलिंग केस वाज चार्ज्ड विद मैन स्लॉटर फॉर किलिंग अ पर्सन ड्राइविंग ओवर हिम। एक किसी दूसरे इंसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, ठीक है, सो अ विटनेस सॉ द व्हीकल एट हाई स्पीड। तो जो विटनेस था उस, मतलब जिस इंसान ने गाड़ी चढ़ाई थी, उसकी गाड़ी उसने हाई स्पीड पर देखी, ठीक है, बट डिडंट सी द एक्सीडेंट। उसने ये तो देखा कि गाड़ी हाई स्पीड में है, लेकिन उसने एक्सीडेंट नहीं देखा था। ऑन हियरिंग द क्राइज ऑफ द विक्टिम, तो जिसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी, जब उसका रोना सुना उस विटनेस ने, ही रीच्ड द स्पॉट, तो विटनेस उस जगह पर पहुंचा, उस क्राइम सीन पर पहुंचा जिस जगह पर उसने गाड़ी चढ़ाई थी उसके ऊपर। हिज स्टेटमेंट वॉज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 6। तो ये जो स्टेटमेंट था उस विटनेस का कि भाई उसने क्या देखा, ये जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो फैक्ट्स हैं ये इशू में नहीं है, लेकिन ये इस तरीके से कनेक्टेड है फैक्ट एंड इशू से कि भाई कैसे हुए, कैसा हुआ, अगर आखिर जो एक्सीडेंट हुआ वो किस तरीके से हुआ, किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ, कहाँ पर हुआ, तो वो इस तरीके से कनेक्टेड है फैक्ट एंड इशू से कि वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, पहले उसने हाई स्पीड पर व्हीकल देखी, फिर उसने जब रोने की आवाज सुनी विक्टिम की, तो वो वहां पर पहुंचा, उसने सारी चीजें देखी, तो इस वजह से उसका जो स्टेटमेंट था वो एडमिसिबल था अंडर सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये रेस गेस्टाय, आई होप इस केस से थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा। अब फॉलोइंग कंडीशंस हैं जो कि सैटिस्फाई करनी होती है अगर किसी भी स्टेटमेंट को हमें रेस गेस्टाय बताना है। सो द स्टेटमेंट मस्ट बी अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड नॉट ऑफ ओपिनियन। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होना चाहिए, यानी कि असल बात होनी चाहिए, ओपिनियन नहीं होना चाहिए, यानी कि मतलब कि मुझे लगता है कि वहां पर ऐसा हुआ होगा, या उसे लगता था कि वहां पर ऐसा हुआ होगा या वैसा हुआ होगा, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। हम ओपिनियन नहीं मांग रहे किसी का, एक जो स्टेटमेंट है वो किसी का ओपिनियन नहीं होना चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है, वो फैक्ट होना चाहिए, असल बात होनी चाहिए, देखी हुई बात होनी चाहिए। ठीक है,
मस्ट हैव बीन, मतलब द स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन मेड बाय द पार्टिसिपेंट, या तो वो पार्टिसिपेंट ने वो स्टेटमेंट दिया हो या फिर विटनेस ने दिया हो, ठीक है. द स्टेटमेंट मेड बाय बायस्टैंडर इज एडमिसिबल, जो बायस्टैंडर्स है यानी कि जो जहां पर हुआ है क्राइम उसके अगल बगल जो लोग हैं, मान लो दुकानें हैं कहीं कुछ है, तो उस वहां जो बायस्टैंडर है उनका जो स्टेटमेंट होगा वो एडमिसिबल होगा इफ ही वॉज प्रेजेंट. लेकिन कंडीशन क्या है कि वो क्राइम सीन पर प्रेजेंट होने चाहिए. ये कि जब कुछ भी लड़ाई झगड़ा या कुछ भी हो रहा था, मारपीट हो रही थी, तो वो उस क्राइम सीन में प्रेजेंट होने चाहिए, वहां पे उन्होंने अपनी आंखों से देखा होना चाहिए, ठीक है. स्टेटमेंट मस्ट एक्सप्लेन और कैरेक्टराइज इंसिडेंट इन द सेम रीजनेबल मैनर, जिस तरीके से हुई है, जिस तरीके से क्राइम हुआ है उसी तरीके से वो स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रही हो, कैरेक्टराइज कर रही हो उस सीन को, ठीक है. अब रेस गेस्ट आए और हियर से एविडेंस. हियर से एविडेंस पता है क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, कहीं सुनी बात. कि कहीं सुनी बात को हम एविडेंस, वैसे जनरल रूल या फिर जो प्रिंसिपल है एविडेंस एक्ट का वो ये है कि हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस. हियर से एविडेंस एडमिसिबल नहीं होता है एविडेंस एक्ट में. लेकिन रेस गेस्ट आए एक्सेप्शन है हियर से एविडेंस का. तो पहले सबसे पहले प्रिंसिपल तो यही है कि हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस, ठीक है. इट कैन बी परमिटेड इन एविडेंस इफ इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सेम एक्सीडेंट और ट्रांजैक्शन. लेकिन उसको हम परमिट कब कर सकते हैं, इसी केस में कि जब वो पार्ट बन रहे हो किसी सेम ट्रांजैक्शन का या फिर सेम एक्सीडेंट का, तभी हियर से एविडेंस हमारा एडमिसिबल होगा, ठीक है. इन अदर वर्ड्स रेस गेस्टाए इज एन एक्सेप्शन टू द रूल दैट हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस. वही मैंने आप लोगों को बताया कि रेस गेस्टाए इसी तरीके से एक्सेप्शन है हियर से एविडेंस का, ठीक है. तो आई होप आप लोगों को ये रेस गेस्टाए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो. अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा. थैंक यू सो मच.